राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये हमारी गाय है, इसकी 2 दिन पहले डिलीवरी हुई है। इसने बछिया को जन्म दिया है और इसका नाम हमने मुनिया रखा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही बछिया हम पहले लेकर आए थे 3-4 महीने की रोटी देने के लिए, पर किसी मजबूरी की वजह से हमें उसे बेचना पड़ा। और अब जब हमारे यहाँ मुनिया का जन्म हुआ तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसी ही है। हम उसे भी बिल्कुल छोटी सी लेकर आए थे और इसीलिए हमने इसका नाम भी मुनिया ही रखा है। पर इसकी डिलीवरी के 2 दिन बाद इसकी माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। हमने डॉक्टर को बुलवाया, इंजेक्शन लगवाए, पर कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी बताई तो हमने कैल्शियम भी चटवाई, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। और कल शाम को इसकी माँ की डेथ हो गई, कल नहीं परसों शाम को इसकी माँ की डेथ हो गई। अभी ये 7-8 दिन की हो चुकी है, ये 4-5 दिन की थी तब इसकी माँ की डेथ हुई थी। तो अभी तो हम इसे निप्पल से दूध पिलाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी मुनिया के जन्म की और इसके नाम की। कहानी तो वैसे बहुत लंबी है, 3-4 साल की कहानी है हमारी, क्या हुआ कैसे हुआ पर पूरी सुनाई नहीं जा सकती। 3-4 मिनट में तो 3-4 साल की कहानी आएगी नहीं। ये देखिए, ये वो बछड़ी है जो हम लेकर आए थे। इसकी माँ ने 2 बछड़ियों को जन्म दिया था एक साथ, तो एक हम लेकर आए थे बिल्कुल छोटी सी। हमारे फ़ोन में वीडियो थी इसकी, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा देती हूँ। और चलिए अब आपको मिलवाती हूँ मुनिया से। लाडली मुनिया, अरे उरा उरा जा, तो अभी आप मिले मुनिया से। ये देखिए, ये इसका जन्म हुआ तब से लेकर और इसकी माँ की मौत हुई तब तक रितिका के पापा ही थे हमारी गाय के पास, तो इसलिए अब मुनिया इनके पास ही रहती है, ज़्यादातर टाइम इन्हीं के साथ रहती है। और सुबह से हम दूध भी यही पिलाते हैं। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं इसका, बस पूरा दिन मुनिया के साथ ही खेलते रहते हैं। अभी ये थोड़ी छोटी है तो इसका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता हमें। खेले चल खेल ले चल।
जी मुनिया। अभी गर्मी का मौसम है तो इसे थोड़ा बहुत पानी भी पिलाते हैं हम और रोटी भी खिला देते हैं। ये 7-8 दिन की हो गई है अब तो। एक दो रोटी पा जाएगा और ला रुपया थी गोड़ी कोनिया जितने हाथ लगा मजा आ गया। बोल ले मुनिया मुन्ना नहीं मुनिया आ जा ये देखिए ये कार्तिक है मेरी बड़ी बहन का लड़का और अभी ये भी मुनिया को पानी पिलाएगा। बस बच्चे तो पूरा दिन इसके साथ खेलते ही रहते हैं। मुनिया को पानी पिलाना मुनिया को रोटी खिलाना ऐसे। इसकी माँ को हम पिछले साल लेकर आए थे फरवरी के महीने में सर्दियों के टाइम। बहुत ही अच्छी गाय थी यही पास के गांव से ही लेकर आए थे हम और उन्होंने भी छोटी सी बछड़ी पाली थी। पर हर इंसान कोई ना कोई मजबूरी होती है उसकी वजह से पशु को बेचना पड़ता है नहीं तो कोई भी नहीं बेचता। शाम को 4 बजे गए थे हम इसकी माँ को लेने के लिए और उसे पता चल गया कि आज मुझे जाना है। तो जो पिकअप हम लेकर गए थे हमारे यहाँ टाटा को पिकअप बोलते हैं तो उसके पास आकर बैठ गई और 3 घंटे तक सर्दी के मौसम में इंतज़ार किया पर गाय उठी नहीं। उसके बाद उसका जो मालिक था उसने खुद पिकअप में बैठकर गाय को बैठाया था और फिर वो गाय हमारे यहाँ आई थी। मेरे हिसाब से तो आज के टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा समझदार गाय है। अगर हम पशु रखते हैं तो हमें एक गाय ज़रूर रखनी चाहिए। पहले हम भी नहीं रखते थे पर अब रखते हैं। सब ने हमसे कहा कि इस मुनिया को किसी को दे देते हैं किसी के पास गाय है तो वो दूध पिला देंगे पाल लेंगे पर यह हमारी गाय की आखिरी निशानी है तो इसे तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे और हमारा मन भी बहुत ज़्यादा है इसमें तो इसे तो हम रखेंगे। और अगर आप मुनिया को देखना चाहते हैं मुनिया से मिलना चाहते हैं तो मैं आगे के व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अभी हमने मुनिया को दूध भी पिला दिया है अब ये करेगी आराम और ये देखिए ये शांत है। तो चलिए अब चलते हैं अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।